हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज सैटरडे का दिन है तो आज मैं आपके लिए मल्टीबैगर स्टॉक लेके आया हूँ। अपने हर सैटरडे को मल्टीबैगर स्टॉक बताते हैं, तो मैं आज आपको दो स्टॉक बताऊंगा। नॉर्मली अपने तीन स्टॉक बताते हैं, लेकिन आज मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए अभी दो ही स्टॉक बताऊंगा। तो अभी मैं आपको दो स्टॉक बताऊँ, उससे पहले गाइस जो पहली बार चैनल पे आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपको हर तरह के ट्रेड मिलते रहेंगे, इंट्राडे स्टॉक मिलते रहेंगे, स्विंग ट्रेडिंग मिलेंगे और अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में भी अपने वीडियो बना के बताते रहते हैं। तो आपको क्या होगा कि चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको चार्ट एनालिसिस सीखने को मिलेगा और मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ, तो आप अगर पूरा वीडियो देखते हो तो चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं आप खुद से भी सीख सकते हो और मार्केट से कुछ गेन कर सकते हो। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके अलावा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना मत भूलना, इसमें भी अपने लाइव मार्केट में अच्छे अच्छे ट्रेड देते रहते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी मैं आपको दो स्टॉक बताऊंगा जो आप आने वाले 3 से 12 महीने के लिए पोजिशन बना के रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। ऐसे स्टॉक रखोगे, मोमेंटम स्टॉक होते हैं, अगर ऐसे स्टॉक रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी से ग्रो करेगा। तो अभी पहला स्टॉक का नाम रहेगा जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, उसका स्टॉक का नाम है जेस इंजीनियरिंग। जेस इंजीनियरिंग को आपको बाय करना है। बाय करने का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। तो अपने नॉर्मली वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हो, और गाइस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें फंडामेंटल मैंने चेक नहीं किया। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो, और दोनों में जो कॉमन मिलता है वो स्टॉक आप बाय कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस में पहले आपको प्राइस से पता चल जाएगा कि ये स्टॉक में एग्जिट आया है कि नहीं आया, उसके बाद न्यूज आता है। तो अगर आप प्योरली इसको भी फॉलो करोगे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लेवल के नीचे एग्जिट भी करना रहेगा। तो अभी जेस इंजीनियरिंग अपना पहला स्टॉक तो रहेगा जो आप वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का नाम, यहाँ पे कोड है उसका जेस, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पूरा नाम स्टॉक का है जेस इंजीनियरिंग, और एनालिसिस डेट यानी कि हर सैटरडे को अपने वीडियो बनाते हैं। तो 19 नवंबर 2022 आज का दिन सैटरडे का दिन है। तो बाय करने का रीजन क्या है वीकली चार्ट के ऊपर? रेसिस्टम बिकम सपोर्ट। आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि अपने स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, वो इंट्राडे का था, लेकिन सेटअप तो सेम रहता है सब में, मतलब पोजिशनल होता है, स्विंग होता है या तो मल्टीबैगर होता है, तो सेटअप तो सेम रहता है। तो वो वीडियो किसी ने देखा नहीं है, अगर आपने कौन से सेटअप यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने स्टॉक फिल्टर कैसे करते हैं ताकि आपको इजी पड़ जाए। तो रेसिस्टम बिकम सपोर्ट क्या होता है? तो स्टॉक यहाँ पे देखोगे तो वीकली चार्ट में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, नीचे आया ऊपर गया, रिजेक्शन लिया नीचे आया ऊपर गया, रिजेक्शन लिया नीचे आया, यानी कि ये स्टॉक का क्या हो गया, सप्लाई जोन बोल सकते हो। और एक कैंडल ने देखोगे तो अच्छे से सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज दिया है, यानी कि ये ब्रेकआउट कैंडल हो गए। उसके बाद स्टॉक यहाँ से देखोगे तो रिट्रेस करने कहाँ पे आया, नीचे यहाँ तक आया, कौन से उसका सप्लाई जोन था। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो ये स्टॉक का क्या हो जाता है, डिमांड जोन बन जाता है। तो पहला रीजन कि स्टॉक यहाँ पे डिमांड जोन में आया, पहले रिट्रेस कैंडल ए वाला था, इसके हाई के ऊपर आपका नॉर्मली बाय बनता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखो, उसका ये प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद ये कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं किया, और फाइनली ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसका हाई ब्रेक किया, यानी कि अपने इसको रिट्रेस कैंडल बोल सकते हैं। तो डिमांड जोन है और रिट्रेस कैंडल है, यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। यहाँ पे वीकली चार्ट में 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया और ये 5वीं बार सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट भी कन्फर्म हो गया, यानी कि स्टॉक को यहाँ पे एरिया में देखोगे तो डिमांड जोन भी मिल रहा है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, और सपोर्ट कैंडल के ऊपर भी स्टॉक ने ये वीक में देखोगे तो अच्छे से ऊपर की साइड क्लोज दिया है, यानी कि स्टॉक का रिवर्सल कंफर्म हो गया और स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, और अपने को अपना स्टॉप लॉस मिल गया, यानी कि डिमांड जोन का जो लास्ट लेगे वो अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर समझो स्टॉक आने वाले वीक में या आने वाले महीने में यहाँ से गिरता है तो क्या हो सकता है, समझो स्टॉक गिरेगा तो उसको पहले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट ब्रेक करके उसको फिर से डिमांड जोन में आना पड़ेगा, और उसके बाद अगर स्टॉक खराब होगा तब जाके इसके नीचे क्लोज देगा, तब अपने क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, यानी कि स्टॉक के गिरने के बहुत कम चांस है, ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा, इसीलिए अपने स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अब वो सपोर्ट कैंडल भी आपको समझा दिया, यानी कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो अभी आपको करना क्या है, तो मंडे को ये लेवल के आसपास यानी कि 819 के आसपास अभी क्लोज दिया है,
तो मंडे को ये लेवल के आसपास आपको बाय करना है, स्टॉक कैसे डबल हो सकता है, डबल यानी कि 1640। तो अभी मैंने टारगेट कैसे लिया 1640, तो नॉर्मली गाइज कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास होता है और वहां से 10-15% की रेंज में जब भी गिरावट आती है तो वहां पे अच्छा बाइंग लेवल होता है, फिर से स्टॉक वहां से न्यू हाई बना के ऊपर की साइड जाता है। यानी कि ये स्टॉक का ये ऊपर की साइड देखोगे तो प्रीवियस में कोई रिजेक्शन एरिया है ही नहीं, यानी कि आप इसको बोल सकते हो ब्लू स्काई टेरिटरी बोल सकते हो, स्टॉक ऊपर 1x 2x 3x भी जा सकता है। तो इसीलिए आपने यहाँ पे टारगेट दिया है, डबल का टारगेट दिया। अगर स्टॉक के यहाँ से समझो कि लाइफ टाइम हाई से अगर 30-40% नीचे गिरा होता तब मैं नहीं बोलता कि स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है, फिर उसका परसेंटेज कितना आता है प्रीवियस में ये रिजेक्शन हो जाता है तो उतना ही देता है। जैसे कि लास्ट वीक अपने डीवी स्लैब दिया था, स्टॉक ऊपर अपने ऑल टाइम हाई से 50% जितना करेक्शन किया था, तो अपने अभी उसका टारगेट डबल नहीं दिया था, उसका जो प्रीवियस में जहां से गिरा था वहां तक का ही टारगेट दिया था, क्योंकि वो वहां के स्टॉक डबल टॉप बना सकता है, इसीलिए वैसे ही होता है। तो यहाँ पे स्टॉक का ऊपर जाने के बहुत हाई चांस है, तो ये स्टॉक को आप बाय कर सकते हो और क्लोज लगाना है 740 के नीचे, वीकली क्लोज दे तो आपको एग्जिट करना है। रिस्क देखोगे तो सिर्फ 10% का है, रिवॉर्ड 100% का है, रिस्क रिवॉर्ड 1:10 का है, टाइम पीरियड 3 से 12 महीने का है। तो जेएस इंजीनियरिंग को आपको बाय करना है अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन स्टॉप लॉस लेवल भी याद रखना है। जब भी आप बाय करो तो ये लेवल को आपको याद रखना है कि 740 के नीचे कोई भी वीक अगर क्लोज देता है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है आर सिस्टम्स। आर सिस्टम्स को आपको क्या करना है, बाय करना है। बाय करने का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो स्टॉक का नाम यहाँ पे देख सकते हो, आर सिस्टम स्टॉक का नाम है। वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस डेट आज की यानी कि 19 नवंबर 2022 है। तो बाय करने का रीजन क्या है, वीकली चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट विथ ह्यूज वॉल्यूम। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट यानी कि आपको पता है आपने कौन से सेटअप है, वो 5 सेटअप है, उसमें ये सेटअप भी आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट वाला। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट वो भी वीकली चार्ट में, तो देखोगे तो स्टॉक कर क्या रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है हल्का सा। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और ऊपर से स्टॉक नीचे भी आ रहा है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ आया, ये उसकी वाइड रेंज थी, अभी धीरे धीरे नैरो हो रही है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे आया और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट दिया, यानी कि उसका प्रीवियस में जो रिजेक्शन एरिया था उसके ऊपर अच्छे से क्लोज दिया। अच्छे से क्लोज के साथ साथ देखोगे तो ये ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हैं, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया हुआ है। तो वो भी अच्छी बात है कि स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और अच्छे से ऊपर क्लोज भी दिया। तो अभी ये स्टॉक में क्या हो सकता है, तो ये स्टॉक अभी यहाँ से उसका प्रीवियस में मैं आपको बोला था कि यहाँ पे देखोगे तो ये उसका क्या हो गया, अपने 10-15% होता तो उसका टारगेट डबल लेते, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से उसके हाई से करेक्ट देखोगे तो नीचे कितना करेक्ट हुआ है, मतलब 50% से भी ज्यादा करेक्ट नीचे की साइड हुआ है। इसीलिए अभी आपने इसको क्या, अपना टारगेट कौन सा होगा, यहाँ से डबल नहीं होगा क्योंकि ये उसका प्रीवियस में रिजेक्शन अभी फिर से यहाँ पे नड़ सकता है। तो अपने इसका टारगेट कितना लेंगे, डबल नहीं लेंगे, लेकिन इसका टारगेट यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद अपने रिव्यू कर सकते हैं कि क्या करना है स्टॉक में। लेकिन ये तो कंफर्म है कि यहाँ तक स्टॉक जा सकता है 350 के आसपास। तो अभी आपको करना क्या है, तो सीएमपी पे तुरंत बाय करना है। सीएमपी उसका कितना है, 262 के आसपास है, तो टारगेट 350 का रहेगा, ए एरिया में जा सकता है स्टॉक। एसएल एग्जिट इफ वीकली क्लोज बिलो 227, 227 यानी कि ये जो लास्ट में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था उसके नीचे स्टॉक गिर के अगर इसके नीचे क्लोज देता है 227 के नीचे तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो रिस्क देखोगे तो बाइंग लेवल से अभी कितना है 13% का, रिवॉर्ड देखोगे तो 33% का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में उसको 33% मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक है, 1:2.5 का है, तो वो भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, आपको 12 महीने वेट करने की जरूरत नहीं। ये स्टॉक 3 से 6 महीने में ये टारगेट अचीव कर सकता है। आपको तो करना क्या है, इसको 3 से 6 महीने के लिए होल्ड करना है तो आप ये स्टॉक ले सकते हो, आपको आराम से इसमें 33% का गेन मिल सकता है और यहाँ से अगर इसके नीचे क्लोज दे तो आपको एग्जिट भी करना है। तो गाइज आज अपने सिर्फ 2 ही स्टॉक थे, तो 2 स्टॉक में आपको अच्छे से समझा दिया, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके बताया कि आपको कैसे बाय करना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो पहला स्टॉक है जेएस इंजीनियरिंग, दूसरा स्टॉक है आर सिस्टम। तो ये दोनों स्टॉक हो गए जो आपको क्या करना है, बाय करना है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अभी मैं गाइज आपको टेलीग्राम पे कल एक पोस्ट किया था, तो बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन है कि देखो एक ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ अभी,
क्या करता हूँ, एक लॉट से ही करता हूँ, तो उसमें मैं आपको मोटा मोटे समझा देता हूँ और इसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मैं ट्रेड करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ ही है, उसमें ऑलरेडी 5-6 लोग ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिक्योर, अगर आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम इनफ है नहीं मार्केट देखने का, तो अपने मंथली स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मंथली सीरीज के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आपके 4 लाख मैंने इसीलिए रखे, बोला है कि इसमें 4 लाख मार्जिन यूज होता है, क्योंकि अपने एडजस्टमेंट के लिए वो काम आता है। नॉर्मली तो अपने जब भी पहली पोजीशन बनाए तो उसमें 1 या 1.5 लाख के अंदर पोजीशन बन जाती है, लेकिन बाकी के आपको 2-2.5 लाख के आपको कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो ये उन लोगों के लिए है कि जिसके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में 4 से 5 लाख है और वो सिक्योर मतलब इनकम चाहते हैं कि हर महीने मेरे को 2-3% मिलता रहे, तो उन लोग के लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट करके, आप पोस्ट पूरा पढ़ सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये भी उन लोगों के लिए है कि जो सीरियस है, अगर सीरियस हो, आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो कि आपको हर महीने 2 या 3% गेन करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को खाली नंबर दे सकते हो, मैं भी आपको ऐड कर दूंगा। और जो भी मैं पोस्ट करूंगा, मैं खुद ट्रेड करूंगा, वो वहां पे शेयर करता रहूंगा, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको अगर जेन्युइनली सीरियस होके ट्रेडिंग करना है ऑप्शन सेलिंग के बारे में, तो आप उसमें नंबर दे सकते हो, यहाँ पे कमेंट में नंबर दे सकते हो, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। और उसके बाद वो रहेगा कि आपने अगर पोजीशन लिया है तो स्क्रीनशॉट पाड़ के मेरे को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे भी लोग आ जाए जो खाली मजे लेने के लिए ऐड करा दे, फिर वो कुछ करते नहीं है। इसीलिए जो लोग खुद ट्रेडिंग करना चाहते हो, मेरी कॉपी मारना चाहते हो, जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो आप ट्रेड कर सकते हो और आराम से इसमें मंथली आप 2 या 3% निकाल सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।